हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे HFM सेंसर के बारे में। कोई कोई लोग इसे एयर मास फ्लो सेंसर भी बोलते हैं। सबसे पहले ये जान लेंगे ये सेंसर गाड़ी में क्यों लगा हुआ है और ECU को क्या जानकारी मिलती है इससे। तो ये सेंसर को एयर फिल्टर के बाद में लगाया जाता है। इंजन सिस्टम के अंदर हवा और ईंधन के मिश्रण को सही मात्रा में मिश्रण करने के लिए एयर फिल्टर से आने वाली हवा और उसके तापमान की जानकारी ECU को मिलना जरूरी होती है, क्योंकि बाहरी तापमान के अनुसार हवा का घनत्व डेंसिटी में बदल होते रहता है। इसलिए हवा का दबाव और तापमान के अनुसार इंजन के सिलेंडर के अंदर फ्यूल के क्वांटिटी को ECU एडजस्ट करता है। इस सेंसर को गाड़ी पर लगाते वक्त इसके ऊपर का तीर का निशान इंजन की तरफ जाने वाला होना चाहिए। इस सेंसर के अंदर 5 पिन का वायरिंग हार्नेस के कनेक्शन के पिन मिलेंगे। कोई कोई सेंसर आपको 4 पिन के भी मिलेंगे, पर अब बात करेंगे 5 पिन वाले सेंसर की। जो सेंसर 5 पिन का होता है उसके पहले पिन में 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, जो EMS रिले के कनेक्शन से आया हुआ मिलेगा, और 2 नंबर पिन के अंदर ECU से ग्राउंड का सप्लाई मिलता है। 3 नंबर पिन NTC टेम्परेचर का सिग्नल, और बचे हुए 2 पिन जो 4 और 5 है वो एयर मास फ्लो के सिग्नल का कनेक्शन होता है। इस सेंसर के अंदर या इसके वायरिंग हार्नेस के अंदर कुछ फॉल्ट हुआ तो आपको ज़्यादा करके P01 से स्टार्ट होने वाले एरर कोड या फॉल्ट कोड मिलेंगे। ज़्यादा करके आपको ये सेंसर BS4 गाड़ियों में लगा हुआ मिलेगा। दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।